मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पूरी कोशिश करेगी कि वनडे की तरह ही टी20 सीरीज में भी दमदार प्रदर्शन करे। हालांकि वो पहला टी20 हार चुकी है और सिडनी टी20 मैच उसके लिए करो या मरो की तरह होगा। अगर मेजबान टीम इस मुकाबले को हार जाती है तो सीरीज उसके हाथ से निकल जाएगी। ये मैच अब से ठीक 30 मिनट के बाद शुरू होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं इस मैच के बारे में अहम जानकारियां। भारत की संभावित प्लेइंग 11: शिखर धवन, केएल राहुल विकेटकीपर, विराट कोहली कप्तान, संजू सैमसन, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, टी नटराजन और दीपक चाहर। ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11: अरोन फिंच कप्तान, डार्सी शॉट, स्टीव स्मिथ, लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेड विकेटकीपर, मोसेस हेनरिक्स, सीन अबॉट, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सन, एडम जंपा और जॉश हेजलवुड। मौजूदा समय में गेंदबाजी विभाग में जडेजा के स्थान पर युजवेंद्र चहल को जगह मिल सकती है, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, टी नटराजन और दीपक चाहर को फिर से प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह को क्या फिर से बाहर बैठना पड़ेगा या फिर मोहम्मद शमी को टेस्ट सीरीज के लिए आराम दिया जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई बड़ी उलझन नहीं है, बस टीम को मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा योगदान मिलने की उम्मीद होगी। टीम के ऑलराउंडर और गेंदबाज भी लय में होंगे। इस खबर के बारे में आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।